नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष और वृष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। नवंबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, यही जानकारी लेकर आज इस कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित हुआ। पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों की, तत्पश्चात वृष राशि वाले जातकों की। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, किंतु मेष राशि वाले जातक इस कार्यक्रम को यहीं से देखना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे नवंबर के महीने में आपके स्वास्थ्य रूपी दृष्टिकोण की अवस्था क्या दर्शा रही है। यदि आप मेष राशि के एक जातक हैं तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। वर्तमान में ये पराक्रम भाव में चल रहे हैं, ये इनका कारक भाव भी होता है और साथ ही 13 नवंबर को वक्र गति लेकर ये आपके द्वितीय भाव अर्थात धन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पराक्रम भाव में बैठकर वैसे तो मंगल महाराज आपके स्वास्थ्य को पुष्ट रखते हैं, किंतु तीसरा घर कहीं ना कहीं बहुत शुद्धिकरण का घर नहीं माना जाता। ऐसे में 13 नवंबर, 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आप थोड़ा सा खान पीन का ध्यान अवश्य रखिएगा। अन्य स्थितियों में नवंबर का महीना आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा पुष्ट माना जाएगा। बात करें यदि करियर के दृष्टिकोण से, तो करियर का दृष्टिकोण नवंबर का महीना आपके लिए यादगार रूपी सिद्ध होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है शनि महाराज, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को वक्र गति को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, सीधे चलेंगे, अद्भुत रूप से लाभ देते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको नवंबर के महीने में बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिलने वाली है। बात करें यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस द्वितीय घर का स्वामी होते हैं आपके लिए शुक्र महाराज, जो कि 11 नवंबर तक अपनी ही राशि तुला में रहने वाले हैं। तत्पश्चात ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, किंतु अष्टम भाव में पहुंचने के बाद भी अपने घर को देखकर फाइनेंस की स्थितियों को बैलेंसिंग करते रहेंगे। फिर भी मैं आपको कहूंगा अगर धन से संबंधित किसी प्रकार का लेन देन है वो आपको 11 नवंबर से पहले ही करना है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो मासिक राशिफल आप सुन रहे हैं इसे सुनना नहीं है, इसे समझना है। किस प्रकार से क्या गतिविधियां हमको कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, तभी इस कार्यक्रम को देखने का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन से संबंधित कोई भी बड़े कार्य हो 11 नवंबर से पहले पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा रुकावट देखने को मिल सकती है। बात करें भाग्य दृष्टिकोण से, तो भाग्य की स्थिति के स्वामी होते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति और जाकर विराजित हुए हैं द्वादश भाव में। 24 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्र गति को छोड़कर मार्गी गति को प्राप्त करेंगे, तो ये स्थिति 24 नवंबर के पश्चात की स्थिति तो बड़े अच्छे स्वरूप को दर्शाती है, किंतु 24 नवंबर से पहले भाग्य भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए और आपके तो कर्मेश ही शनि महाराज हैं, जो न्यायप्रिय हैं, कर्म फल प्रदाता कहा जाता है इनको। अपने कर्म के ऊपर एकाग्रचित्तता से बने रहिएगा, निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देने जा रहा है। इसी के साथ बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की, तो आपके विद्या स्थान के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और वर्तमान समय में ये नीचस्थ हो रहे हैं। नीचस्थ अवस्था 16 नवंबर 2022 तक की बनी हुई है। इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा विद्या में जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, एकाग्र चित्तता नहीं मिल पा रही है, आलस्य प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, क्रोध आ रहा है, ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर उठकर यदि जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके कर्म फल प्रदाता शनि महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इन सब चीजों से हटकर अपनी विद्या पर फोकस कीजिएगा, अन्यथा ये माह आपके लिए विद्या क्षेत्र में आपको पीछे कर सकता है। मुझे सिर्फ सत्य बताना है जो स्थिति आपके गोचरीय कुंडली में दिख रही है, आपको अवगत कराना है क्या स्थितियां आने वाले महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी। बात करें यदि यात्रा की, तो यात्रा दृष्टिकोण से
आप नवंबर के महीने में यात्रा कर सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा लाभ आपके लिए बनकर आएगा। नवंबर में यात्रा की स्थिति, यदि आप 16 नवंबर से पहले की यात्राएं करते हैं, इसमें सफलता मिलना तय हो जाता है। उसके पश्चात भी यात्रा कर सकते हैं, किंतु यदि कंपैरिजन करते हैं तो 16 नवंबर से पहले की यात्राएं बहुत फल प्रदाता रहने वाली है। इसी के बाद बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के संबंधों में मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर बुध, सूर्य, केतु और शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र देव स्वराशस्थ हैं, तो वहीं सूर्य महाराज नीच के होकर बैठे हैं। बुध देव केतु के साथ बैठे हैं, तो ये चतुर्ग्रही योग है। यहाँ दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप देखेंगे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बड़ा रूप ले सकती है। तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधों की गतिविधि भी इस माह आपके लिए शुभ नहीं मानी जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन या आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, तो प्रयास कीजिएगा मैनेजेबल कंडीशन बनाकर रखें, अन्यथा परेशानी देखने को मिल सकती है। अब आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जो आपके नवंबर के महीने को बना सकती है यादगार। शनि देव आपके नवंबर के महीने में सबसे शुद्धिकरण में फल देने वाले हैं, और इन्हीं का यदि दामन आपने ठान लिया तो बहुत श्रेष्ठकारी स्थिति देखने को मिलेगी। नित्य सायंकालीन समय में ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, जैसा भी संभवत रहे, शाम के समय में इसे नियमित रूप से नवंबर के महीने में बनाए रखिए, बड़े अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। यहाँ नवंबर के महीने में वृष राशि वाले जातकों को विशेष रूप से 11 नवंबर 2022 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्वास्थ्य में परेशानी आपके जीवन में उन्नति को रुकावट करती हुई पाई जा सकती है। जो सत्यता है वही मुझे आपको बताना है ताकि आप अवेयर हो सके। पहली स्थिति में 11 नवंबर तक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। 11 नवंबर के पश्चात आपका स्वास्थ्य बड़ा पुष्ट रहेगा, स्थितियां पूर्ण रूप से आपका फेवर दर्शाने वाली है। बात करें यदि करियर की, तो करियर क्षेत्र के अंदर आपको अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि 23 नवंबर को आपके कर्म के स्वामी शनि महाराज वक्र गति से मार्गी होने जा रहे हैं, और आपके कर्म की तरफ ही प्रवेश रहेगा शनि देव का, इसे बड़ा शुद्ध माना जाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपका भाग्य भी नवंबर के महीने में परिपूर्णता से साथ देने जा रहा है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की, तो फाइनेंस की स्थिति भी 13 नवंबर 2022 तक धन से संबंधित आपके कार्य रुक सकते हैं। किसी से लेन देन की स्थिति है, आपकी होप बनी हुई है कि इस समय में मेरा कार्य हो जाएगा, किंतु उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल सकता है, तो परेशान मत होइएगा। 13 नवंबर के पश्चात आपके धन से संबंधित स्थितियां पूर्ण रूप से आपका फेवर दर्शाती हुई पाई जाएगी। बात करें भाग्य दृष्टिकोण की, तो नवंबर में आप समझ लीजिए अद्भुत रूप से भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। आपके कार्य तो शनि महाराज बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे, जहां हाथ डालेंगे सफलता का योग मिलेगा, किंतु हम सभी ग्रहों का मिश्रण बता रहे हैं आपको, तो धन से संबंधित कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, किंतु 13 नवंबर तक डिले देखने को मिल सकता है। शिक्षा की अगर हम बात करें, तो शिक्षा की स्थिति भी 13 नवंबर तक की आपका फेवर नहीं दर्शा रही है। कॉन्सेंट्रेशन की कमी, फोकस जो अपनी स्टडी पर होना चाहिए, जितना समय आपको अपनी स्टडी पर देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भंगात्मक स्थिति दर्शा रहा है। ऐसे में इस स्थिति को आपको बैलेंस करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने आप को पिछड़ता हुआ देखेंगे। ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं विद्या का इस समय में बहुत ज्यादा महत्व है, और विद्या में एक महीने पीछे होना मतलब आपको हर महीने पूरे साल वर्ष तक पीछे ले जाता है, तो इसमें
अपनी दृढ़ता की स्थिति का योग बनाइएगा, क्योंकि शनि महाराज कर्म फल प्रदाता आपके वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आप कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता का योग बनकर आएगा और 13 नवंबर के पश्चात में बहुत अच्छी रिकवरी आप अपनी विद्या क्षेत्र में प्राप्त कर लेंगे। यात्रा की यदि हम बात करें तो यात्रा के दृष्टिकोण से आपके लिए विशेष अवस्था बनती है कि आप 16 नवंबर 2022 के पश्चात यात्रा की प्लानिंग करें, बहुत ही सुखद रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन की हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में आपके लिए भी विशेष रूप से 11 नवंबर तक उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। उसके पश्चात दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर स्वरूप को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी 13 नवंबर तक आपको बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड उतार चढ़ाव आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस करके रखना आवश्यक रहेगा। आइए अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जो नवंबर के महीने को बना सकती है यादगार। मैंने आपको बताया सबसे शुद्धिकरण में जो ग्रह आपको फल देंगे वो है शनि महाराज। शनि देव को इस महीने में जितना आप मजबूत करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक रिजल्ट आपके लिए निकल कर आते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, सायंकालीन समय में नित्य रूप से नियमित रूप से आप ये प्रयोजन करते हैं, बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।